एलएसी पर जारी तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच मॉस्को में अहम बैठक हुई, जिसके बाद कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत चीन के बीच हो रही वार्ता को लेकर सवाल दागे हैं। नमस्कार साथियों, कल हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट यानी चाइनीज रक्षा मंत्री से रशिया में बातचीत की। पहले कहा गया था कि कोई बातचीत नहीं होगी, फिर कल रात को 2 घंटे तक वार्तालाप चला। उससे पहले देश के विदेश मंत्री ने अपने काउंटर पार्ट से चाइनीज काउंटर पार्ट से बात की थी। 2 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चाइनीज काउंटर पार्ट से बात कर चुके। 4 बार राजदूत लेवल की WMCC बैठकें हो चुकी। 5 बार कोर कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी। 2 बार हमारे जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने हाई लेवल बातचीत की। और कल फिर हमारे रक्षा मंत्री ने चीन के रक्षा मंत्री से बात की। इतनी बार बातचीत हो चुकी, पर बातचीत हुई क्या? उसका नतीजा क्या है? क्या देश को विश्वास में लेंगे? क्योंकि कल ही देश के विदेश सचिव ने यह कहा कि 1962 से भी ज्यादा गंभीर संकट है। पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 जून 2020 को सर्वदलीय बैठक में यह कहा कि कोई ना हमारी सीमा में आया है, ना कोई घुसपैठ हुई है। देश के रक्षा मंत्री कहते हैं घुसपैठ हुई है, विदेश मंत्रालय कहता है घुसपैठ हुई है, विदेश सचिव कहते हैं कि 1962 से विकट स्थिति है। दर्जनों बार अलग अलग लेवल पर बातचीत हो चुकी, परंतु नतीजा क्या है? क्या ये सारी बातचीत बेनतीजा है? देश को विश्वास में लीजिए प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी।